हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी एक लेटेस्ट गेम आया हुआ है सोलो लेवलिंग अराइज, और ये अभी मोबाइल के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा और पीसी के लिए भी देखने को मिल जाएगा। बट कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसको एपीके डाउनलोड करके उसको थर्ड पार्टी के थ्रू आप उसको प्ले करते हैं, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता हमें देखने को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको पीसी में कैसे प्ले कर सकते हैं बिना किसी वीपीएन के। आप नॉर्मली इसको डाउनलोड करेंगे और ना ही किसी थर्ड पार्टी के यूज़ के आप इसको सिंपली अपने पीसी या लैपटॉप में इजीली उसको प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है। सबसे पहले आपको आ जाना है, अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। सिंपली आप आएंगे गूगल पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है सोलो लेवलिंग अराइज। इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको विजिट करना है ये पीसी वर्जन सोलो लेवलिंग अराइज पे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और आपको नीचे थोड़ा टॉप पे आपको यहाँ ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, पीसी वर्जन और गूगल प्ले गेम्स और स्टीम का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको पीसी वर्जन पे क्लिक करना है। पीसी वर्जन पे क्लिक करने के बाद में आपको आ जाना है डाउनलोड नाउ पे। जैसे डाउनलोड नाउ पे करेंगे आपको इस पे टिक करना है और इस फाइल को ओपन करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने आपको इसके लिए अराउंड 1 GB का नेट चाहिए होगा, 1 GB से 2 GB का नेट इसमें लगेगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। आपको डाउनलोड करने के बाद में कुछ नहीं करना है, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपका डेस्कटॉप पे एक ऐसा लॉन्चर बन गया आ जाएगा। ये HP विक्टेस का लैपटॉप है। इसमें आपको Core i7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और 16 GB की DDR4 रैम देखने को मिलेगी, और आपको एनवीडिया RTX 3050 4 GB की ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, और ये 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। तो आज इसमें हम देखेंगे क्या परफॉर्मेंस ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यस करना है। ये आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ से आना है, इसको आप यहाँ से प्ले करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको गेम सेटिंग्स आ जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड, गेम सेटिंग्स, आर्काइव, जनरल, यहाँ से अगर आपको, वैसे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है आप लैंग्वेज इजिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आपको सिंपली क्लिक करना है प्ले पे। आपको कोई वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई आपको थर्ड पार्टी की जरूरत, जैसे ब्लू स्टैक और भी जो हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि एंड्रॉयड प्लेयर होते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस पे प्ले करेंगे और हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको आ जाना है साइन इन गूगल पे और यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन किया हुआ है। आप क्लिक करके आप अपना इजीली उसको आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, या आपका फिर गेम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम लेगा, कुछ फाइल्स होंगी जो इसको डाउनलोड करेगा। अराउंड आपकी फाइल्स की 1.5 से 2 GB तक की फाइल होती है, तो उसमें आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपका मोबाइल डेटा ज़्यादा है तो आप मोबाइल डेटा से करिए, अदरवाइज आप वाईफाई के थ्रू इसको ईजिली कर सकते हैं। आपको टैप करना है और यहाँ से गेम आपका स्टार्ट हो जाएगा। Looks like I get 5 stat points every time I level up. I actually have a chance to become stronger. I'll fight for my life as long as I've got it. Don't give up! I've come to a realization. If I give up here, I'll die for nothing! I can't keep hiding in the shadows like I always have. If it means I can become stronger, I'll gladly follow these ridiculous rules. Get
out of my way! Nice! I won't lose! I got this! Don't give up! This is my last chance! It all depends on me! Get out of my way! A wolf assassin. I like it. Getting a teleportation stone was easier than I thought. Should I go back? I can do it too! Myself getting stronger. Is this really Hupcheong Station? The dungeon boss. Sword's no match. How the hell do I pierce through these scales? This is my last chance. It all depends on me. I have to be stronger. I came all this way to become stronger. Get out of my way! Get out of my way! Now is my chance! Must have gotten a little stronger, huh? I will never lose! Registration. It's news to me. By using this program, you can easily recruit Strike Squad members and view your squad's equipment. Join me? I installed
build it on your cell phone as well. Now you can... Oh, wait. In the Hunter community, we use official nicknames for anonymity. Let's go together. Please evac- Hey, give me some healing, quick! Chewie? It's been a week since the incident. Looks like she hasn't recovered yet. Get out of my way! Can't let the other hunters see me. This is the best I can do for now. This is my last chance. It all depends on me. I can do it too!